आवाज न्यूज के प्रातःकालीन बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथ ही सावन के इस पावन पर्व के अंदर भगवान शंकर का आप सभी लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रखे। इसी के साथ में रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर, जहां सबसे पहले खबर वाराणसी से, जहां बता दें कि वाराणसी के अंदर आज जलाभिषेक की यात्रा निकल जाएगी। 4 बजे से ये यात्रा स्टार्ट होगी, भगवान शंकर को जलाभिषेक किया जाएगा। मौजूद हूँ वाराणसी काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 पर। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ, किन्नर समाज द्वारा जलाभिषेक यात्रा निकाला गया है, जो आपको बता देना चाहता हूँ। आइए जानने की कोशिश करेंगे क्या संदेश देना चाहते हैं किन्नर समाज के लोग। आवाज़ न्यूज 24 में आपका स्वागत। हाँ, शोभा यात्रा का क्या उद्देश्य है? मैं जगत पिता परमेश्वर काशी विश्वनाथ जी को इसलिए जलाभिषेक हम किन्नरों ने किया कि हमारे देश में जो महामारी हो, अच्छी बुरी दिक्कतें तकलीफें हों, हमारे देश की प्रजा बहुत परेशान रहती है, चिंतित रहती है, और हम चाहते हैं कि बाबा विश्वनाथ अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें और हमारे देशवासी जो हैं उनके बाल बच्चे, उनके नौकरी चाकरी, उनके सुख संपत्ति उनको प्रदान करें। इसीलिए हमारा जलाभिषेक बाबा विश्वनाथ के लिए हुआ था। दशाश्वमेध में घाट से उठाया गया जल, जो कि काशी विश्वनाथ में 4 नंबर गेट से जलाभिषेक बाबा का किया। जैसा कि आज काशी विश्वनाथ मंदिर पर आज आपका शोभा यात्रा निकाला गया, कौन से निकाला गया है? आज जल शोभा यात्रा सावन के शुभ अवसर पर निकाला गया है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में जितने भी हमारे अन्नदाता रहते हैं, जितनी जनता रहती है, जो निवासी रहते हैं देश विदेश, उनके लिए उनके कामना कर, उनकी शुभकामना करने के लिए किन्नर समाज है, लोग स्वस्थ रहें, लोग आगे बढ़ें, लोगों की नौकरियां हो, देश में जो खतरे मंडरा रहे हैं वो खतरे न मंडराएँ, देश की राजनीति, शासन, प्रशासन सब अच्छी चले, सारी व्यवस्था सब अच्छी चले, उसके लिए आज बाबा विश्वनाथ से आज हम लोग कामना करने के लिए आए थे। और किन्नर समाज आज 50 साल बाद किन्नर समाज ने अपने हाथों से गर्भ नगरी में जाकर जल चढ़ाया और जल चढ़ा के पूरे देश के लिए कामना की, पूरा देश सुख समृद्धि में। ये कहाँ से कहाँ तक निकाला गया है शोभा यात्रा? सिमला घाट से लेके आपके बाबा विश्वनाथ मंदिर तक ले जाया गया, जिसमें 4 नंबर द्वार से सभी का प्रवेश हुए। किन्नर समाज पूरे होश और उल्लास के साथ इन्होंने अपना हौसला बुलंद किया, जाहिर किया, और मैं अपने माननीय श्रीमती लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, पवित्रा महामंडलेश्वर जी को मैं तहे तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया और वो हमारी संरक्षक बनी रही, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और पवित्रा जी। कितने लोग सम्मिलित थे आपके शोभा यात्रा में? कम से कम 50 लोग किन्नर थे, और जनता की संख्या पूछे मत कितनी थी।